नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टिफिन टाइम की खाली टाइम में कहानी कसूरवार। जानवी सड़क किनारे खड़ी है। पतझड़ की सुनहरी रंग भरी शाम सड़क और इमारतों पर छाई हुई है। पूरब से रह रहकर हवा आती है, जिससे जानवी की हल्की पारदर्शी नायलॉन की साड़ी पर छपे फूल धीरे धीरे हिलते हैं। सारे दिन के बाद जूड़ा ढीला हो नीचे गर्दन पर टिका है। जानवी अकेली नहीं है, पास ही राजीव भी खड़ा है, पर जानवी ने राजीव की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि जानवी की आंखों में आंसू हैं। जानवी नहीं चाहती कि राजीव जाने की वो रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर जानवी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वो ये था कि राजीव शीघ्र ही अनन्या से शादी करने जा रहा है। कहाँ वह डायन और कहाँ बेचारा राजीव। जानवी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि राजीव को अनन्या अच्छी लगती है, कि अनन्या ने जानवी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि खुद राजीव ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है कि जानवी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो जानवी को वो सब कहने का अवसर मिले जो दिल में कल से ही उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब राजीव को जानवी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह जानवी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा राजीव से नहीं देखा जाता, पर वह खुद जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। राजीव को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में यह संतोष है कि उसने कभी भी जानवी के सामने अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं किया। जो अभी तक विजी से छुपा रखा है उसे अब कहने की ज़रूरत भी क्या है। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना कि जानवी राजीव दोस्त हैं जो किसी सड़क किनारे खड़े हैं। राजीव की शादी किसी अनन्या नाम की लड़की से तय हुई है। जानवी को इस बात का बुरा लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। अब आगे जानवी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पीकर चले जाना। जानवी के स्वर में ना आग्रह था, आत्मीयता भी नहीं थी, पर कुछ था जरूर कि राजीव जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। अनन्या को पता लगेगा तो बहुत बुरा मानेगी। जानवी और अनन्या में लंबी अनबन है। जानवी तो अनन्या का नाम तक नहीं सुनती, पर राजीव अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि जानवी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, राजीव ने कहा। जानवी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ, अपने पर्स को मेज पर रखते हुए जानवी ने कहा। राजीव ने कमरे के बीच में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट की शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छीट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी, जानवी ने पूछा और उत्तर की आशा में राजीव की ओर देखती रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से भी काम चलेगा, राजीव ने कहा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो, जानवी ने जवाब दिया। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था, मीठा तो वो बोलती है, जानवी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई के अंदर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। राजीव ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उठक कर पूछा, कौन मीठा बोलता है? जानवी रसोई के अंदर हो गई, जिससे राजीव को कुछ दिख न सके। तब राजीव ने कुछ स्वस्थ से अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के उस पार कुछ नहीं दिखता था। मुंबई जैसे बड़े शहर में जानवी नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे राजीव को इस समय कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। वह भूल सजाता है कि कुछ ही दिन बाद वह एक दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वह मुंबई में रहते रहते ऊब गया है। उसने अनन्या से शादी करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद किया है। अनन्या उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। अनन्या के मन में राजीव के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि शादी की जिम्मेदारी वे अच्छी तरह निभा सकेंगे, पर वो ये सब जानवी को कैसे समझाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी, फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। जानवी क्या बना रही हो,
अजीब ने आवाज ऊंची करते हुए पूछा। स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़ी जानवी ने रसोई से थोड़ा सा इधर आकर कहा, यूं ही थोड़ा सा कुछ। कितनी बार बताया कि पहले सरसों के दाने चटका लिया करो, प्याज पहले डालने से वह ठीक से नहीं चटकती। राजीव कहते कहते कुर्सी से थोड़ा उठा फिर बैठ गया। आज वह जानवी का मेहमान है, रसोई में जाकर बीच में अड़ंगा लगाना उसके लिए शोभनीय नहीं है। वे दिन नहीं है जबकि अपार्टमेंट सागर और राजीव का था, रसोई में उसका आधिपत्य। सागर को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है, यह जानकर जानवी ने राजीव की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था। जानवी ने कैसे पूरी तरह से सागर की रुचियों के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। उन दिनों जानवी रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्ज्वल तरल आंखों से आंतरिक उल्लास की आभा झड़ती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलास आ गई है, हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना राजीव जानवी दोस्त हैं जो एक दिन अचानक रास्ते में मिले हैं। जानवी राजीव को अपने घर बुलाती है। राजीव की शादी अनन्या से तय हो गई है, ये सब जानते हुए भी राजीव जानवी की तरफ खिंचा चला जाता है। जानवी राजीव की दोस्त सागर की मंगेतर थी। राजीव जानवी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। अब आगे जानवी दो प्लेट में उपमा ले आई और मेज पर रखकर कॉफ़ी लेने वापस लौट गई। राजीव की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सूजी कहीं कहीं जल गई है। पर कॉफ़ी लेकर जानवी ने प्लेट उसे दी तो वो चुपचाप खाने लगा। जानवी ने खुद भी दो चम्मच उपमा खाकर प्लेट रख दी और कहा, ठीक नहीं बनाना। उस क्षण में जैसे पहले वाली खिली हंसमुख जानवी इस उदास मुख में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, राजीव ने कहा। उसे लगा कि जैसे इस बीच जानवी ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। जानवी ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। राजीव ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयास में पूछा, मुंबई में कैसा लगा विजी, यहाँ कब तक रहने का इरादा है? जानवी ने जवाब में कहा, मुंबई में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया, छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती है। तब से कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलट कर वार भी नहीं कर सकती, कहकर वह अनमनी सी हंसी हंसी। तुम नहीं समझोगे राजीव, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। राजीव ने कहा, घर में सब ठीक है ना, पापा भाई बहन? जानवी ने इस प्रश्न पर चकित होकर आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे फ़ोन ही कहाँ करते हैं। तुमने उन्हें फ़ोन नहीं किया? राजीव ने कहा। इतना लड़ भड़ कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, ये किस मुँह से बताती कि शादी टूट गई है, कि सागर का मुझसे जी भर गया है। जानवी की बात में हल्की हल्की कड़वाहट है। राजीव नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े। जानवी और सागर के शादी ना करने में अनन्या का जितना हाथ रहा है वो राजीव से छिपा नहीं है। इस नाटक का वह शुरू से अंत तक दर्शक रहा है। थोड़ी काफ़ी और दोगी जानवी? राजीव ने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैम्प शेड की झिंझोरियों से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। जानवी ने अपने बालों में अटका क्लिप निकालकर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और राजीव, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा, राजीव ने कहा। पर झगड़ने का मूड अब जानवी पर नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाई बाँह फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ, जानवी ने कहा। जानवी के स्वर से राजीव को कुछ अंदाजा न हुआ कि जानवी की क्या प्रतिक्रिया है। पर जानवी ने सायास आँखें पूरी खोल कर पूछा, अच्छा राजीव, तुम्हें वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, तुम उसके बिना रह नहीं सकते? राजीव चौंक गया। एकाएक कुछ उत्तर ना दे पाकर वह जानवी को देखता रह गया। जानवी ने कहा, जानती हूँ जानती हूँ, उसकी आँखें लंबी लंबी हैं, वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है, वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें, सागर को, सबको। पहले जानवी का कंठ अवरुद्ध हुआ, फिर ढेर से आंसू आँखों में उमड़ आए, पर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या हूँ, एकदम छोटी बेकार तुच्छ, मुझे तो तुम इनविटेशन पाने तक का हकदार नहीं समझते।
राजीव उठकर जानवी के पास बैठ गया। कैसी पागल सी बातें कर रही हो जानवी, तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? अनन्या आजकल बहुत बिजी है, इसी वजह से इनविटेशन भेजने में देर हो गई होगी। टिफिन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे थे कसूरवार। अब तक आपने सुना जानवी राजीव अच्छे दोस्त हैं और एक दिन रास्ते में अचानक से मिलते हैं। जानवी राजीव को अपने घर बुलाती है। राजीव की शादी अनन्या से तय हो चुकी है, जिसका जानवी को बुरा लगता है। राजीव जानवी के घर में नाश्ता करते हुए पुराने दिनों को याद करता है। जानवी राजीव के दोस्त सागर की मंगेतर थी और सागर और जानवी का रिश्ता तोड़ने में राजीव की होने वाली पत्नी अनन्या का ही हाथ था, यह बात राजीव जानता था। राजीव कश्मकश में है, वह जानवी को उदास नहीं देखना चाहता। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जानवी राजीव से शिकायत करती है कि उसे शादी का कार्ड क्यों नहीं मिला। क्या राजीव जानवी को शादी में बुलाएगा? क्या राजीव जानवी के सामने अपनी फीलिंग्स बता सकेगा? क्या राजीव अनन्या से शादी करेगा? ये सब जानने के लिए आप टिफिन टाइम के साथ बने रहिए।